कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, सुहावना है। रात से बारिश लगी थी तो अभी हल्की सी कम हुई है, तो ठंडक भी है। ऐसे आज का मौसम हिल स्टेशन टाइप मौसम हो गया है। तो देखें आज आपके ग्रीनरी कैसे लग रही है पीछे। तो सुबह सुबह मौसम जो है वो चाय का मौसम है, तो आप ये लें चाय पिए मेरे साथ। तो साथ साथ ही आप देखें मौसम का नज़ारा। तो ये देखें, यहाँ से सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में बारिश का तो कुछ पता नहीं होता कि कब स्टार्ट होगी कब बंद होगी। और इस मौसम में सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी घर से निकलें तो एटलीस्ट एक छाता या रेनकोट जो है वो साथ रखें, क्योंकि सावन है, सावन में कब बरसात आ जाए कुछ पता नहीं। तो हम भी जब निकलेंगे तो छाता तो नहीं रखेंगे, हम रेनकोट रखेंगे। ऐसा नहीं समझना आप कि जी हमारे पास तो गाड़ी है तो रेनकोट क्या क्या करेंगे, लेकिन कुछ भाई मेरे ऐसे भी होंगे जिनके पास गाड़ी नहीं होगी, वो टू व्हीलर से ही सर्विस अपना जो है रूटीन का काम करते हैं, घर से निकलते हैं टू व्हीलर पे ही, तो उनके लिए ज़रूरी है डिक्की में अपनी रख लें, क्योंकि बारिश कब आए सावन की पता नहीं चलता कुछ। तो देखें जी, सावन के महीने में वो जो रेनी सीज़न होता है, इसमें पेड़ भी अपना जो है वो पेड़ पौधे वो हरियाली अपनी दिखाते हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं बारिश की वजह से। तो ये देखिए, जैसे ये छोटा प्लांट है एक, और ये कितना सुंदर लग रहा है। और इसके साथ साथ ये देखें जी, तो ये ग्रीनरी अच्छी होती है सेहत के लिए भी और मन को खुश रखने के लिए भी। तो मन तो खैर खुश ऊपर वाला रखे तभी रहता है, नहीं तो ऐसा तो रहता नहीं है। तो आप देखें, ये है जी, ये देखें, ये आम के पत्ते और उन पे ओस का बारिश का पानी। देखें आम के पत्ते और इन पे बारिश का पानी, और अभी अभी हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है अभी हल्की हल्की। ये देखें, तो साथ में चाय भी पी लेते हैं, आप भी पियो मेरे साथ चाय। और ये देखो जी, ये है हमारा लेमन का पेड़। ये देखिए, ये इन पर भी देखें कैसी बूंदें पड़ी हुई हैं बारिश की, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है इनका। ये देखें, ये हैं लेमन और ये इन पे बारिश की बूंदें। मौसम काफ़ी अच्छा है आज का, तो चलो आपके साथ चाय पीते हैं और कुछ रूबरू भी होते हैं, आप भी पिए चाय मेरे साथ। मौसम काफ़ी आज अच्छा है, तो आज घर से निकलेंगे तो बारिश का कुछ पता नहीं है कि बारिश लग तो नहीं रहा वैसे, क्योंकि सूर्य देवता देखिए आप ये ऊपर सूर्य देवता थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद ये निकल जाए, मौसम साफ़ हो जाए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सावन का महीना है और बरसात रेनी सीज़न है, तो कुछ पता नहीं होता कि कब बारिश आ जाए। ध्यान से रहना होता है, ध्यान से निकलना होता है घर से, क्योंकि आजकल लैंडस्लाइड्स भी काफ़ी हो रहे हैं। जो हिली एरिया में मेरे भाई बंधु जो जाना का सोच रहे हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान दें उस पर, तो घर से कम निकलें, क्योंकि सीज़न है ऐसा कि कब लैंडस्लाइड आ जाए, रोड निकल जाए, तो कुछ पता नहीं होता। तो अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, क्योंकि जब घर से निकलते हैं तो कुछ पता नहीं होता क्या रास्ते में क्या होगा। तो अपना ध्यान खुद रखना, अपनी फैमिली का भी रखना, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो परिवार को पीछे छोड़ के निकलते हैं।
तो उनका खास तौर पे ध्यान रखना और सोच समझ के निकलना। और इस सीज़न में थोड़ा कम ही निकलना चाहिए, क्योंकि जैसे डेली सुनने में आता है कभी कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कभी कहीं हो रही है, कहीं रोड बह रही है, लोगों की ज़िंदगियों का भी नुकसान होता है। तो हम अपना ध्यान खुद ही रखेंगे तो वो बेटर आता है। देखें जी, अब ये देखें कि इस पे ये देखो बारिश की बूंदें कैसी पड़ी हैं, ये देखें, मतलब मज़ा आ जाता है ऐसे सीन को देखने में। ये देखें क्या ज़बरदस्त मौसम है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी सुबह सुबह की वीडियो, तो काइंडली लाइक करना, अच्छी लगे तो शेयर करना, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच अगेन, आपको शुभ प्रभात, सुबह की, राम राम।